में है, हमारी माता बहने को पता है, हमारी बुजुर्ग दादी है, ताई है, जब कोई बहन बेटी आती है ना तो उसको कुछ देना तो पड़ता ही भाई, रीति रिवाज है, देना पड़ता है। आपको अजमेर के किशनगढ़ से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, जहां तूफानी दौरा है किशनगढ़ में, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मंच पर मौजूद है और उसमें पार्ट लिया है भागीरथ चौधरी के समर्थन में संवाद कार्यक्रम, ये कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का चल रहा है। लेकिन पहले उसमें हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1000 से 150 रुपए तो हमने कर दिया। हमने कहा डीजल पेट्रोल का पैसा कम करें, कांग्रेस वाले हमने 2 महीने हो गए क्यों कम नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री तो दिल्ली जा रहा है आ रहा है। अरे भैया तुम्हारे पास क्या है, दिल्ली आ रहा है जा रहा है तो लेकर के आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अरे तुम तो माई पड़े रहे, होटल में पड़े रहे, तुम तो फोकट में जाते थे। अरे मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तुमका 40 साल से काम नहीं हुआ, ERCP को तुमने अटकाए रखा भटकाए रखा, हमने 1.5 महीने में समझौता कर लिया, 3 करोड़ लोगों को पीने को पानी मिलेगा, 21 जिलों को पानी मिलेगा, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ये कांग्रेस के नेता थे, वो इसी बात को जीत जाते थे हमेशा कि मैं यमुना का पानी ला रहा हूं। अरे भैया पानी कभी एक लोटा भर के भी नहीं लाया तू गाड़ी में रख करके लगा रहे हैं, जब पानी लेकर के आएंगे। 40 साल से मांगती यमुना जल की हमारे शेखावाटी को, हमने 1.5 महीने के अंदर हरियाणा से भी समझौता किया, मध्य प्रदेश से भी समझौता किया और देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा लूट लिया और हमने उसको समझौता कर लिया। यही नहीं डीजल की, हमने कहा डीजल में पैसा तो हम कम कर दें, लेकिन राजस्थान में असंतुलन है बहुत ज्यादा, वो कहते 5 रुपए का अंतर है, गंगानगर में सबसे महंगा, बीकानेर में उससे थोड़ा कम, जोधपुर में उससे थोड़ा कम, उदयपुर में उससे थोड़ा कम, अजमेर में उससे थोड़ा कम, मतलब ये क्या है? हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा भैया। हमने हरदीप जी को पत्र लिखा, हरदीप जी के हिसाब से तो ऐसा है कंपनियों का किसी का हो गया, हम नहीं मानेंगे ऐसे, राजस्थान में ऐसा नहीं चलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी ने हरदीप पुरी जी को कहा कि भैया ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनकी बात सुनो और ये करना ही है, और उन्होंने कर दिया 2400 करोड़ रुपए का घाटा, मान के घाटा है तो घाटा करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? आपको ध्यान होगा 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक पेट्रोल हमने सस्ता किया है, और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने डीजल सस्ता किया है, वो हमारे राजस्थान के भाइयों को उसका फायदा पूरा का पूरा फायदा हमको मिला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप छाती ठोक करके कहिए, जनता के बीच में जाकर के कहिए, केंद्र की सरकार हमारी कर रही है, राजस्थान की सरकार 90 दिन के अंदर आपके बीच में किया है, क्यों नहीं कह सकते हम?